क्लास थर्ड, वेलकम टू योर इंग्लिश लिटरेचर्स क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम योर इंग्लिश लिटरेचर्स बुक, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 4 चैप्टर। आई होप सबने बुक्स और नोटबुक्स में वर्क भी यू हैव टू कंप्लीट। और उसके अलावा आज हम 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं कि चैप्टर इज व्हाट अबाउट इंडिपेंडेंस डे। ओके, इंडिपेंडेंस डे सबको पता है कब होता है इंडिपेंडेंस डे? इट्स ऑन 15th of August। ठीक है, तो वैसे भी इट इज़ अबाउट टू कम, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, तो हम उसके बारे में, ये उसी से रिलेटेड ये पोएम है आपकी, चैप्टर नंबर 5 इज अ पोएम। तो चिल्ड्रन ईगरली लुक फॉरवर्ड टू फेस्टिवल्स, Children eagerly look forward to festivals. Think about your favorite festivals and what make them special for you. देखिए, जब festivals आने वाले होते हैं तो सभी eagerly, मतलब बहुत ही उत्सुकता से, जब हम लोग wait करते हैं ना, तो बच्चों को तो विशेष तौर से, specially children जो होते हैं उनको festivals का बहुत उससे wait रहता है ना, कि कब festival आएंगे। तो उसके अलावा थिंक अबाउट योर फेवरेट फेस्टिवल्स, अपने फेवरेट फेस्टिवल के बारे में सोचिए और बताइए कि व्हाट देम मेक स्पेशल फॉर यू, वो आपके लिए स्पेशल क्यों है। ठीक है, सबके अपने अपने फेवरेट्स वो होते हैं ना फेस्टिवल्स। इंडिपेंडेंस डे ये भी फेस्टिवल है, ये कैसा फेस्टिवल है? नेशनल फेस्टिवल। ठीक है, देर आर 3 नेशनल फेस्टिवल्स वी हैव सेलिब्रेट इन इंडिया। कौन कौन से? इंडिपेंडेंस डे, सेकेंड इज रिपब्लिक डे एंड थर्ड इज 2nd of October, दैट इज द बर्थ डेट ऑफ महात्मा गांधी। लेट्स रिसाइट, चलिए पोएम पढ़ते हैं पहले। इंडिपेंडेंस डे इज अ फन फील्ड डे, सो ऑल पीपल वी वुड से, वी एज चिल्ड्रेन, इंडिपेंडेंस डे is fun filled day, so what we would say, so what all people we would say, we as children dream make our nation supreme। तो इंडिपेंडेंस डे इज फन फील्ड, आपके लिए इंडिपेंडेंस डे कैसा है? एक मस्ती से भरा दिन है। इंडिपेंडेंस डे बेसिकली है क्या, आपको पता है ना कि हमारे लिए फ्रीडम जो है वो निर्धारित की गई थी, हमारा कंट्री जब अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था तो 15 अगस्त 1947 को, तो हमारे लिए ये आज़ादी का जश्न होता है। सो ऑल पीपल वी वुड से, वी एज चिल्ड्रन ड्रीम टू मेक आवर नेशन सुप्रीम, यानी कि सभी लोगों को क्या कहना चाहिए, क्या सोचते हैं सभी लोग, कि बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य होते हैं और उन्हें ऐसा सपना रखना चाहिए अपना, टू मेक आवर नेशन सुप्रीम, अपने नेशन को सुप्रीम यानी कि सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल बनाना है। ठीक है, तो आवर इज अ लैंड ऑफ सेजेस, नोन फॉर ब्रेवरी सिंस एजेस, नन कैन विद इट कंप्लीट इट्स कल्चर, नन कैन बीट, यानी कि हमारा जो लैंड है ना, कौन सा? इंडिया। ठीक है, मातृभूमि। तो ये सेजेस का मतलब बहुत बहुत बड़े ऋषि महात्माओं की भूमि रही है, नोन फॉर ब्रेवरी सिंस एजेस, और कई सालों से, कई वर्षों से जो है ये अपनी बहादुरी के किस्सों के लिए जाना जाता है। देखो जैसे शिवाजी थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, है ना, तो ये कितने ब्रेव लोग थे, हम बचपन से इनकी कहानियाँ सुनते आते हैं। नन कैन बीट इट कम्प्लीट इट्स कल्चर, नन कैन बीट, और ना ही कोई इसे पूरा कर सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत बहादुर लोग हमारे यहाँ जन्म लिया है बहादुर लोगों ने। इट्स कल्चर नन कैन बीट, यानी कि हमारे कल्चर को कोई भी बीट नहीं कर सकता, हमारा कल्चर जो है वो सबसे बेस्ट है वर्ल्ड में। ठीक है, वॉट एवर कास्ट और रिलीजन, ऑल लिव हियर इन यूनिसन विद रिवर्स स्वीट फाउंटेन्स, इट्स अ लैंड ऑफ हाई माउंटेन्स। तो वॉट एवर कास्ट और रिलीजन, चाहे आपकी जाति, आपका धर्म कोई भी हो, ऑल लिव हियर इन यूनिसन, और यहाँ सब एक साथ रहते हैं। देखो हमारा कंट्री ना तो हिंदू कंट्री है ना मुस्लिम कंट्री है, यहाँ तो हमारी कंट्री में ऑल लिव टुगेदर, कौन कौन? यूनिसन मीन्स टुगेदर, कौन कौन?
हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन और कास्ट के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं विद रिवर्स, स्वीट फाउंटेन्स, और हमारे यहाँ बहुत सुंदर अच्छी नदियाँ, अच्छे अच्छे झरने हैं। इट्स अ लैंड ऑफ हाई माउंटेन्स, और ये जो हमारी मातृभूमि है ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाली है। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर प्रिटी एंड अ सोर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, लेट्स फॉर इट वर्क हार्ड फॉर इट्स सेफ्टी, लेट अस फॉरएवर बी ऑन द गार्ड। यानी कि हमारे यहाँ जो जंगल हैं हरे भरे, वो भी बहुत प्रिटी हैं। क्या हैं प्रिटी मतलब सुंदर, इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर प्रिटी, इसके ग्रीन हरे भरे जंगल जो हैं प्रिटी हैं, एंड अ सोर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्रोत है प्रॉस्पेरिटी का। ठीक है, लेट्स फॉर इट वर्क हार्ड, चलो इसके लिए कठिन परिश्रम करते हैं। फॉर इट्स सेफ्टी लेट अस फॉर एवर बी ऑन गॉड, यानी कि हम अपने देश की सेफ्टी के लिए हमेशा इसकी गार्ड बन जाएं, ठीक है, इसके पहरेदार बन जाएं। तो अब समझ में आया आपको पूरी पोएम का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंस डे के बारे में है और अपने कंट्री के बारे में बताया कि हमारा कंट्री कैसा है। ठीक है, तो पोएम पढ़ेंगे सारे बच्चे, इसका मीनिंग एक्सप्लेन किया है मैंने, उसको बार बार देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट क्लास आई विल सेंड यू नोट्स ऑफ द चैप्टर एज अ वर्ड मीनिंग हार्ड वर्ड्स, ओके, व्हाटएवर द एक्सरसाइज आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ओके।